हाँ पद धोने ज़्यादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तंदूर खुला था, हमारा चूल्हा भी खुला था, शुक्र है हमारे पहुँचने से पहले ढांप दिया गया है। वैसे ये है कि हमारे घर का जो है वो ख्याल रखा जाता है, हम ना भी पहुँचे तो आप ही आ जाती हैं इस साइड से। हम कमरे में थे और अचानक से बारिश हुई है क्योंकि दिन को काफ़ी ज़्यादा हबस बनी हुई थी, क्योंकि सुबह टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हबस बनी हुई थी और सूरज निकला हुआ था सही तड़के वाला, बादल भी नहीं थे, ये भी अचानक से उठे हैं और अचानक से बारिश होना शुरू हो गई है। अब मौसम कुछ ऐसा बन गया है। टोकरा भीग रहा है हमारा, अस्सलामुअलैकुम। अब्दुल हादी और सीरत ज़हरा छुट्टियां गुजारने के लिए आए हुए हैं, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक है। छतरी कर लो। महनूर जो है वो कल से आई हैं तो वो कह रही हैं कि मैंने दरिया देखना है, तो हम अब जा रहे हैं दरिया देखने के लिए क्योंकि बरसात जो है वो नहीं रुक रही और हालात जो है वो ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। महनूर थोड़ी सी महनूर भी नहीं रुक रही, बारिश भी नहीं रुक रही, डरी हुई हैं वैसे आप थोड़ा थोड़ा, है ना? नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये कि पहले आपको नहीं पता कि दरिया हमारे घर के कितना करीब आ गया है, तो अब मुझे एक डाउट है कि आपको जब पता चल जाएगा ना तो कहीं आप डरती ना रहे कितना करीब आ गया। थोड़ा कह रही थी क्योंकि वो मैंने सुना है कि हमारी जो मेरी बड़ी नंद है आप ही है मेरी, उनकी जमीन कटाव करके वो दरिया बहार है। हाँ, आज जो है हम दरिया इसलिए देखने के लिए जा रहे हैं कि एक बुरी खबर है, वो ये है कि अतीक लोगों की जमीन काफ़ी ज़्यादा जो है वो दरिया बहा के ले गए हैं और उस ज़मीन में उनकी तिल की फसल थी जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगी थी। आजकल तिल जो है एक मन 17,000 का बिक रहा है और काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि अब हार्वेस्टिंग होने वाली थी लेकिन अचानक जो है वो पानी पड़ा है, उसने कटाव शुरू कर दिया और एक ही रात में वो सारी ज़मीन बहा के ले गया। सारी तो नहीं गई लेकिन एक दो एकड़ जहाँ पर तिल थे, काफ़ी महंगी फसल थी, वो ले गया। और बच्चे भी तैयार हो गए हैं, ये कह रहे हैं हमें भी जाना है। तो आप नहीं, नहीं नहीं मैं नहीं, हाँ ये दरिया में ये जब लुट जाएगी ना, लुट जाएगी ये, और तब ये मर जाएगी। हाँ ये मैं सुनना चाहूँगा। चलो इससे पहले कि बारिश तेज हो हमें वापस आने, बड़े वाला दरवाजा खोल दें। महनूर बह के तो रहने देते हैं, बारिश आ रही है। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और हम भी आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं ताकि मौसम को एंजॉय करते हुए जाएं। जिस साइड पे लास्ट टाइम मैं गया था आपने मेरा व्लॉग देखा था, उसी साइड से जाना है। आपको पता अतीक लोगों का जो है ना वो फसलें वो दूसरी साइड दिखाया है ना, जो हमारे घर के नज़दीक आया, हमारे घर के नज़दीक ये वाली साइड है। पहले इधर चलते हैं और उसके बाद देखते हैं। यहाँ से घर हमारा नज़र आ रहे हैं सामने और इस घर के आगे दरिया है। पहुंच आए हैं बस। इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा, हम पिछली बार जब आए थे तो यहीं पर था और अब भी तकरीबन यहीं पर है, थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। आप लास्ट टाइम इधर आए थे? हाँ, देखा नहीं था आपने व्लॉग में? व्लॉग में देखा था, देखा यार।
हम बाइक पे आए हैं और शहजेब हमारे पीछे साइकिल पे आ गए और पहुंचा भी हमसे पहले है। अब हम जा रहे हैं मेन दरिया, जहाँ पर कह सकते हैं कि दरिया का हब है या पेट है, जहाँ से दरिया निकल रहे हैं उस साइड पे। ये तो वो पानी है ना जो हमारी तरफ निकला होगा गांव की तरफ। ये मस्जिद इतनी प्यारी लग रही है। ओए यहाँ पानी पहुँचा है इस साइड से, तो इस साइड से ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं। ये नज़दीक है उस जगह के निस्बत हम। इस साइड पे दरिया बिल्कुल यहाँ आ गई है। शहजेब भी पहुँचे हैं। हाँ आपको याद है जब पिछली बार हम लोग इधर आके खाना भी खाया था? हाँ। और वो जगह वो वाली ये दरिया ने गिरा दी है। बारिश आई हुई, रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मैं कहता हूँ यार वापस चलते हैं, बच्चे कहते हैं नहीं थोड़ा सा आगे जाए, आगे ठीक है रास्ता, आराम से आओ। आगे पक्की है सारी, इसीलिए बच्चे कह रहे थे आगे ठीक है। यहाँ से आगे हम नहीं जा सकते तो बाइक हमें यहीं पर खड़ी करनी पड़ रही है। ये नहीं, ये रही बाइक। आओ बच्चों, आपकी साइकिल ठीक पड़ी है? फसलों में फेंक दो। यहाँ से आगे रास्ता कुछ ऐसा था, बिल्कुल नहीं जा सकते थी बाइक्स वगैरह, तो हमने इसीलिए पीछे ही खड़ी कर दी। आराम से आए, यहाँ से आगे ट्रैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं हम। खड्डे होते हैं क्योंकि यहाँ से आगे जो है हम पैदल नहीं जा सकते थे। वापस कैसे आएंगे महानूर? आराम से बैठ जाए, आराम से। बारिश आई हुई है इसीलिए हम ट्रैक्टर ट्राली का सहारा ले रहे हैं यहाँ से आगे। और पहले तो क्या हमने बाइक वहाँ पर खड़ी कर दी, अब बाइक्स भी नहीं जा रही, खुश हो रहे हैं सारे। हाँ पद होने, शहजेब कह रहा है सफर होगा, पद होगा। कैसा लग रहा है? अतीक लोगों की जमीन भी तकरीबन पहुंच आई है। वो सारा दरिया बह रहा है, इस साइड पे चचा की जमीन है और इस साइड पे अतीक लोगों की। बस इतना इलाज छोड़ो, उतरे हम दरिया पे पहुंचे हैं और जिस जगह पे खड़े हैं ये है हुजैफा लोगों की जमीन, ये आधी चली गई है। बाकी वो वाला घर है सामने वो भी इसमें चला गया है। और इस साइड भी चाचा की ज़मीन है जहाँ पर हम आते थे मटर तोड़ने के लिए, उसमें अब दरिया बह रहे। महानूर पीछे रहना है, उस साइड से कटाव ज़्यादा चल रहे। कितना तेज़ी से पानी जा रही है। वापसी पे बड़ी मुश्किल से फसलों में से होते हुए हम आए हैं और पहुंच आए हैं। सामने बाइक्स हमारी नजर आना शुरू हो गई है हमें। बच्चों ख्याल से ट्रॉली से पहले पहले निकलना, नहीं तो ट्रॉली ने रास्ते वैसे ख़राब कर देने। यो अल्लाह खड़ा है, महफूज खड़ा है। महानूर लोगों ने वहाँ से शॉर्टकट मारे और मैं इस साइड से आ गया हूँ दादा जान के घर। और दादा जान लोगों ने अपनी फसल कुछ इस तरह से संभाली हुई है, तिल की फसल थी, सारे सहन में तिल नज़र आ रहे हैं और छतों पर भी तिल नज़र आ रहे हैं।
दरिया की सूरत हाल देख के हम आ गए हैं वापस घर, और आज तो हम जहाँ भी जा रहे हैं हमें सामने से पानी ही नज़र आ रहे हैं। बाकी हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, अल्लाह ताला बेहतर करे। आज बारिश का रुख चेंज है, इसीलिए हमारा मड हाउस जो है वो उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा। पहले यूँ होता था कि इस साइड की होती थी जंप जिसे हम कहते हैं, या बारिश का रुख होता था तो सारा पानी जो है वो मड हाउस पर जाता था। हमारा कमरा बरामदा दोनों महफूज हैं, उनके ऊपर बिल्कुल एक कतरा पानी नहीं जा रहा। मैं नहीं, नज़र नहीं आ रही आज सुबह से मुझे। बारिश तेज़ हो चुकी है क्योंकि हवा जो है वो काफ़ी तेज़ चलने लग गई है, और अब बारिश का रुख भी तब्दील हो गया है। अब हमें अंदर जाना चाहिए क्योंकि हवा ठंडी लगने लग गई है और बारिश का रुख तब्दील होते ही सारा पानी जो है वो हमारे कमरे पे जा रहा है। हाँ, वो बंद करना था, मैंने वाईफाई हमने बंद करना था क्योंकि बारिश में जो है वो कहते हैं बंद कर देना चाहिए, पहले भी ख़राब हो गया था और याद ही नहीं है मुझे। जैसे बारिश आती है हमारे घर के काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं, वाईफाई बंद करना है, तंदूर बंद करना है, चूल्हा जो है उसके ऊपर। जी बेटा, मैं नहीं वहाँ बैठी। ओए चल रहा है यार, ये तो अल्लाह खैर करे। नीचे किधर है? नीचे बैठी। मैंनी बाहर आओ। ये रही, कहाँ थी आप? हम उधर ढूंढ रहे थे और मैंनी यहाँ बैठी हुई है। पानी आ रही साइड से, बंद कर दे इसको। जल्दी जल्दी आ जाओ भाग के। आज वाली बारिश इन गर्मियों की सबसे तेज़ बारिश है, और तूफ़ानी बारिश इसे हम कह सकते हैं। और मैं बार बार अपने मड हाउस की तरफ इसलिए जा रहा हूँ कहीं पानी ना नीचे उतर जाए। सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो हमारी दीवार को है, पानी साइडों से ना बस उतरे। बारिश थम गई है, लेकिन बारिश ने काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब कर दिए। जहाँ जहाँ पानी को जगह नहीं मिली वहाँ से उसने खुद जगह बना ली। और जैसे ही बारिश थमी है भाई, हमें भी नूडल्स मिल गई। इसमें बारिश का पानी जा रहा है लेकिन नूडल्स खाते हैं, खूबसूरत मौसम में गर्म गर्म नूडल्स। तबीयत पहले ठीक नहीं हो रही थी और अब नुकसान देखकर और अजीब हालत हो गई है, और नुकसान हो भी बहुत ज़्यादा रहा है। हमारा जो गांव है उसके तकरीबन तीनों तरफ से दरिया आ गया है। ये वाली साइड, इस साइड से हम निकले अपने फ्रंट वाले दरवाजे से, और यहाँ से घूमते हुए दूसरी वाली साइड से हम आए हैं। सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो अतीक लोगों का हो रहा है, उनका जो है वहाँ पे एक कमरा था वो भी दरिया की नज़र हो गया। साथ में एक घर था, उन्होंने जो है अपने घर की छतें वगैरह तो उतार ली, लेकिन बाकी सारा घर दरिया की नज़र, और काफ़ी ज़्यादा अफसोस हुआ वो सारा कुछ देख के। और अभी जो है दरिया का लेवल मज़ीद बढ़ रहा है, जब तक बारिशें नहीं रुकेंगी ये ख़तरा ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो आप सबसे दुआ की अपील करें, अल्लाह ताला इस आफत से महफूज रखे, अल्लाह ताला हर किसी के
फसलों को, जान माल को अपनी हिफ्ज़ो हिमा में रखें। और उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत से ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।